हेलो स्टूडेंट्स, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे दो लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं। थर्ड लेक्चर पे आते हैं। इससे पहले दो लेक्चर में हमने फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था करंट का, और सेकंड लेक्चर में हमने ओम्स लॉ और नॉर्मल रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। अब बेटा उसी पे हम कंटिन्यूटी में आते हैं। हमने बताया था कि रेजिस्टेंस बेटा चार फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो बेटा अब देखना एक बार, अगर मैं कहता हूं फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कि बेटा रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, लेकिन कब? अगर मान लीजिए मैं दो चीजें कांस्टेंट कर दूं, दो चीजें क्यों, कौन कौन सी बेटा, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मेटीरियल इज सेम। अगर बेटा टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल सेम हो तो, अब बेटा सिंपल सी बात है, चार फैक्टर हैं, चार में से दो हमने कांस्टेंट कर दिए, तो रेजिस्टेंस सिंपली कितने फैक्टर पे डिपेंडेंट रह जाएगा, जस्ट दो फैक्टर पे डिपेंडेंट रह जाएगा। दो फैक्टर कौन कौन से बेटा, एक तो लेंथ और दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेकिन बेटा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या समझते हैं बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कंडक्टर की लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। मींस अगर छोटी वायर है तो रेजिस्टेंस कम है, लंबी वायर है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। एंड बेटा जो सेकंड फैक्टर है, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है मोटाई से। मोटाई से मींस कि अगर वायर मोटी होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, और वायर पतली होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बेटा मैं दोनों को कंबाइन करता हूं, दैट इज कंबाइनिंग दीज, क्या आएगा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और बेटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आएगा उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रो। रो क्या है यहां पे? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको कहा जाता है बेटा रेजिस्टिविटी। अब देखिए बेटा, समझिए, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैंने रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ना है, दैट इज रेजिस्टिविटी, तो सुनो बेटा, यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, फाइनल बेटा। अब यहां से देखना, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ दोनों के दोनों यूनिट हो जाएं, यूनिट मीन वन, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वेयर हो और लेंथ आपकी 1 मीटर हो, तो बेटा उस टाइम पे रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है। तो डेफिनेशन भी यहीं से बनेगी, स्टेटमेंट रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर व्हेन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर बोथ आर यूनिट। तो कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन करेंगे रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू, दैट इज रेजिस्टिविटी will be equal to resistance of the conductor, will be equal to resistance of the conductor, kab beta? When length and area of cross section of the conductor, area of cross section of the conductor both are unit, मतलब दोनों के दोनों वन हो तो। अब बेटा रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी को क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। एक ही मतलब है, चाहे आप रेजिस्टिविटी बोल दीजिए चाहे आप इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल दीजिए। बेटा मेजरिंग यूनिट की बात करें तो देखो, रेजिस्टेंस की मेजरिंग यूनिट ओम,
बेटा एरिया की मेजरिंग यूनिट मीटर स्क्वेयर और लेंथ की मीटर है ही, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा और मेजरिंग यूनिट क्या आ जाएगी, ओम मीटर। तो ध्यान रहेगा रेजिस्टिविटी की मेजरिंग यूनिट क्या है, ओम मीटर है। तो बेसिकली हमने जस्ट दो फैक्टर लिए हैं, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, बाकी दोनों फैक्टर्स को हमने क्या रखा है, कांस्टेंट। और यहां पे मेन पॉइंट आया रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलेंगे, और रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल होगी व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड लेंथ बोथ आर यूनिट एंड इट्स मेजरिंग यूनिट इज ओम मीटर। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए बेटा, हमने रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, अब इसी को मैं आगे थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहा हूं। तो देखिए इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आप दो चीजों के बारे में तो पढ़ चुके हैं, दो चीजें क्या क्या, फर्स्ट वन इज रेजिस्टेंस, कैसे डिफाइन किया, प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस तो यही था, जस्ट एक प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो का अपोज करती है, आर से डिनोट करते हैं, और इसकी मेजरिंग यूनिट क्या है बेटा, ओम। सेकेंड पे आते हैं, सेकेंड आपने पढ़ा रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी को किससे डिनोट किया बेटा, रो से, और इसकी मेजरिंग यूनिट क्या आई, ओम मीटर। कैसे डिफाइन किया, रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर व्हेन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर बोथ आर यूनिट। फिर बेटा बिल्कुल इसी से रिलेटेड आते हैं कंडक्टेंस। बेटा कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। बेटा जनरली जी से डिनोट कर देते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन डाली हुई है, बाकी मान लीजिए हम जनरली जी से डिनोट करके चल रहे हैं। तो कंडक्टेंस क्या बताओगे, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। फिर बेटा रेजिस्टेंस है वन अपॉन रेजिस्टेंस, तो कंडक्टेंस की मेजरिंग यूनिट क्या आ जाएगी, ओम इनवर्स। बेटा ओम इनवर्स को लिख सकते हैं पीछे से एम एच ओ फाइनल। और बेटा एक साइंटिस्ट था साइमन, उसी के बिहाफ पे दिया गया है साइमन, तो तीनों की तीनों मेजरिंग यूनिट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप ओम इनवर्स कह दीजिए, चाहे एम एच ओ मो बोल दीजिए, या उसको क्या बोल दीजिए, साइमन कैपिटल एस से डिनोट कर दीजिए। जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है ना बेटा, वैसे ही रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी, दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या बताएंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं बेटा, सिग्मा से डिनोट करते हैं मेजरिंग यूनिट। इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा बेटा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या क्या बोल सकते हैं मो मीटर इनवर्स, या क्या बोल सकते हैं साइमन मीटर इनवर्स। तीनों के तीनों मेजरिंग यूनिट है बेटा कंडक्टिविटी की। फाइनल अब देखना, कुछ पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, एक बार सुनो, एक बार जरा रिपीट करो। आपने रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंडेंट बताया था, बोलना। हमने रेजिस्टेंस कितने फैक्टर पे डिपेंडेंट बताया था, चार फैक्टर्स पे। कौन कौन से, फर्स्ट था लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकंड क्या था बोलिए, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। और बेटा थर्ड वन क्या था, दैट इज टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस या टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, जो आप कहना चाहो। और लास्ट टॉपिक क्या था, दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ सब्सटेंस। यही चार फैक्टर पढ़े थे बेटा हमने। लेकिन अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करता हूं, तो बेटा रेजिस्टिविटी सिर्फ दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। दो फैक्टर कौन कौन से, ये दोनों, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस। मतलब आप कह सकते हैं रेजिस्टिविटी एक तो किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करेगी, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगी बेटा, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ सब्सटेंस।
इसका मतलब एक बार समझिए थोड़ा सा क्या है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप दो वायर लेते हैं, फाइनल एक वायर है और मान लीजिए ये दूसरी वायर है, और दोनों की दोनों वायर किसकी बनी हुई हैं, दोनों की दोनों वायर कॉपर की बनी हुई हैं, और दोनों का टेम्परेचर भी क्या है बेटा, सेम है फाइनल। और अब मैं कहता हूं इनके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का कंपैरिजन करना है। अब मेरी बात सुनो बेटा, लेंथ अलग अलग है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, तो नो डाउट दोनों का रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। पहले का रेजिस्टेंस मान लीजिए आर वन, दूसरे का रेजिस्टेंस मान लीजिए आर टू। लेकिन बेटा रेजिस्टिविटी की बात करेंगे तो रेजिस्टिविटी दोनों की सेम आएगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी को कोई मतलब नहीं है लेंथ क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है। रेजिस्टिविटी तो जस्ट कितने फैक्टर पे डिपेंडेंट है, दो पे, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस। अब बेटा दोनों कॉपर की हैं तो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस सेम हो गया, दोनों का टेम्परेचर सेम बता दिया, तो ऑटोमेटिक रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इस टाइप के ना कई बार छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं ट्रिकी, वो कह देता है कि एक कॉपर वायर की लेंथ एल है, दूसरे कॉपर वायर की लेंथ टू एल है, दोनों के रेजिस्टिविटी का रेशियो बताओ, और हम वहां पे फिर सोचने लगते हैं रेजिस्टिविटी का रेशियो। बेटा रेजिस्टिविटी का रेशियो लेंथ पे तो डिपेंडेंट ही नहीं है, अगर दोनों वायर कॉपर की हैं, दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो दोनों के रेजिस्टिविटी का रेशियो क्या आएगा, 1:1 आएगा फाइनल। बेटा चले आगे कंटिन्यूटी में करें, इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये थोड़ा सा देख लीजिए कि आपकी रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। ओके कर लीजिए नोट। अब देखिए बेटा आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि सब्सटेंस तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। बेटा वैसे ही अगर हम ये कहें ना कि भाई कंडक्टिविटी के बेसिस पे या रेजिस्टिविटी के बेसिस पे सब्सटेंस को तीन कैटेगरी में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी कह दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी या ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, आपके सब्सटेंस को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बेटा। पहली कैटेगरी है आपकी कंडक्टर बेटा, दूसरी कैटेगरी है आपकी सेमीकंडक्टर, और तीसरी कैटेगरी है बेटा आपकी इंसुलेटर, दैट इज इंसुलेटर फाइनल। तो आप कह सकते हैं कंडक्टिविटी के बिहाफ पे सब्सटेंस को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। अब समझिए बेटा कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर आर द सब्सटेंस इन विच फ्लो ऑफ करंट टेक्स प्लेस। जिन सब्सटेंस में करंट का फ्लो होता है उन्हें क्या कहा जाता है, कंडक्टर। और बेटा इंसुलेटर क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जिनमें करंट का फ्लो नहीं होता, यही है ना, इंसुलेटर आर द सब्सटेंस इन विच फ्लो ऑफ करंट डजंट टेक्स प्लेस। अब बेटा सेमीकंडक्टर पे आते हैं, अब सेमीकंडक्टर में क्या होता है बेटा, सेमीकंडक्टर में होता है कि कभी तो करंट का फ्लो नहीं होता और कभी करंट का फ्लो होता है। अब ये सिचुएशन क्या है कि कभी नहीं होता कभी होता है, बेटा ध्यान रखें जब सेमीकंडक्टर नॉर्मल टेम्परेचर पे होंगे तो वो इंसुलेटर रहते हैं और करंट का फ्लो उनमें नहीं होता, और जब भी आप किसी सेमीकंडक्टर को गर्म कर देते हैं, हीट अप कर देते हैं, और बेटा हाई टेम्परेचर पे जाते ही सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो शुरू हो जाता है फाइनल। तो सेमीकंडक्टर मेन हमने सेमीकंडक्टर ही पढ़ना है, बाकी तो हम जनरली हमें पता है कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा ध्यान रखें कि नॉर्मल टेम्परेचर पे तो ये क्या रहने वाला है, इंसुलेटर रहने वाला है, और गर्म करने से हाई टेम्परेचर पे जाके ये करंट का फ्लो स्टार्ट करता है। फिर दूसरा फैक्टर बेटा एक ध्यान रखना, कंडक्टर जो है ना, कंडक्टर की कंडक्टिविटी तो हाई होती है बेटा, और आपकी जो रजिस्टिविटी है ना कंडक्टर की, वो रजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है। कंडक्टिविटी हाई एंड रेजिस्टिविटी लो। और वहीं अगर मैं इंसुलेटर का बात करूं तो इंसुलेटर में जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। इंसुलेटर में क्या होएगा बेटा, इंसुलेटर के अंदर आपकी कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टिविटी तो रहेगी लो, और जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी बेटा, हाई रहेगी फाइनल। दोनों जस्ट एक दूसरे के रिवर्स चलेंगे। अब बारी आई फिर सेमीकंडक्टर क्या है,
बेटा सेमीकंडक्टर में ध्यान रखना, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, एंड रेजिस्टिविटी लाइज इन बिटवीन, लाइज इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। फाइनल, सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी है वो किसके बीच में लाई करती है बेटा, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। अब एग्जांपल की बात करें, जनरली कंडक्टर के एग्जांपल आपको पता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, जो भी मेटल्स वगैरह हैं। और बेटा इंसुलेटर के भी आपको पता है, जैसे रबड़, प्लास्टिक, वुड, प्योर वाटर। लेकिन ध्यान रखेंगे, सबसे अच्छे सेमीकंडक्टर माने जाते हैं जनरली जर्मेनियम और सिलिकॉन। फाइनल, तो ध्यान रखेंगे जर्मेनियम और सिलिकॉन आर द सेमीकंडक्टर। ये तो नॉर्मल क्राइटेरिया था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं ना बेटा, वो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। आप दो कैटेगरी कह रहे हो, एक कह रहे हो कंडक्टर और एक कह रहे हो बेटा सेमीकंडक्टर। इन दो पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे बेटा। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, देखेंगे, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो बेटा कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा और कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो भी बढ़ेगी। लेकिन सेमीकंडक्टर में ये इंपैक्ट जस्ट अपोजिट होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी घटेगा और रेजिस्टिविटी भी घटेगी। जैसे मैं वो फैक्टर पढ़ा रहा था रेजिस्टेंस के, उस टाइम मैं टेम्परेचर की बात कर रहा था कि टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, लेकिन वो चेंज का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही चेंज में आते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कंडक्टर के केस में तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और सेमीकंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों चीजें क्या हो जाएंगी बेटा, कम हो जाएंगी। और दूसरा फैक्टर तो फिर इसी से रिलेटेड हो जाएगा कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों डिक्रीज होंगे कंडक्टर के, और सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों इंक्रीज होंगे। और बेटा इसी के कोरेस्पोंडेंस में, ये जैसे मैंने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में बता दिया, इसी के कोरेस्पोंडेंस में आप कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में भी बता सकते हैं। क्लियर कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। फाइनल बेटा, चलें आगे। अब सुनिए, जो नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं ना, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ढंग से समझेंगे अच्छे से। तो देखिए आगे, समझिए बेटा। आपने अभी अभी ये पढ़ा कि रेजिस्टेंस जो है वो रो एल बाई ए है, क्लियर। अब मैं कहता हूं कि मेरे को कुछ ऐसा चाहिए कि मैं रेजिस्टेंस को सिर्फ लेंथ की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकूं, रेजिस्टेंस को मैं सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकूं। तो मैं यहां पे तीन केस बना रहा हूं, समझेंगे। इन टर्म्स ऑफ लेंथ ओनली, रेजिस्टेंस को मैं सिर्फ किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाऊं, लेंथ की टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाऊं। दूसरा मैं कह रहा हूं रेजिस्टेंस को सिर्फ मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में एक्सप्रेस कर पाऊं। और थर्ड फैक्टर कह रहा हूं कि मैं रेजिस्टेंस को सिर्फ रेडियस या कह दीजिए डायमीटर, रेडियस या डायमीटर में एक्सप्रेस कर पाऊं। तो समझिए बेटा एक बार बहुत ध्यान से, मान लीजिए आप कहते हैं R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, फाइनल। अब देखना, अगर मैं ऊपर भी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अब देखना बेटा क्या होगा, R इज इक्वल टू रो एल स्क्वेयर बाई वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई लेंथ क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर आ जाएगा। समझ गए ये रिजल्ट कैसे आया, ऊपर भी लेंथ से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी लेंथ से मल्टीप्लाई किया। अब समझिए बेटा, अगर मैंने किसी वायर को स्ट्रेच किया या मैंने किसी वायर को कंप्रेस किया, चाहे स्ट्रेच कर लें चाहे कंप्रेस कर लें,
रेजिस्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ना, क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर तो वही सेम रहना है। और बेटा आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, स्ट्रेच करिए चाहे कंप्रेस करिए, वॉल्यूम भी तो सेम रहने वाला है। तो यहां पे क्या है बेटा, रेजिस्टिविटी और वॉल्यूम ये दोनों चीजें कॉन्स्टेंट रहेंगे। कब? जब आप वायर को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, तो ये कॉन्स्टेंट, और हम क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अब कंफ्यूज मत होना कि हमने तो ये पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, लेकिन यहां पे तो क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर आ गया। इस पॉइंट को थोड़ा सा समझिए, दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। मैं कहता हूं मैंने वायर की लेंथ को डबल कर दिया, कीपिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, मतलब मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रखा, मैंने और मटेरियल ऐड किया और वायर की लंबाई को मैं इंक्रीज करता चला गया। तो उस कंडीशन में तो ये फैक्टर यूज होगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब आपने वायर की लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, डबल हो गया, कीपिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉन्स्टेंट। लेकिन अगर मैंने ये कह दिया कि मैंने वायर को स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करते हुए लेंथ को डबल कर दिया, बेटा जब हम वायर को स्ट्रेच करेंगे तो नो डाउट लेंथ बढ़ेगा, लेंथ इंक्रीज होगी, साथ साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो वेरी करेगा ना। लेकिन स्ट्रेच करने से क्या कॉन्स्टेंट रहने वाला है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहने वाला है। तो उस टाइम पे स्ट्रेच करेंगे तो कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। मतलब क्या होगा, अगर मैंने स्ट्रेच करके वायर की लेंथ डबल कर दी तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। मतलब ये रिजल्ट कब यूज होगा, इफ वायर या कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, स्ट्रेच किया जाए या क्या किया जाए बेटा, कंप्रेस्ड किया जाए, फाइनल। ये रिजल्ट सिर्फ उसी कंडीशन में यूज होगा। अच्छा अभी कहता हूं मैं ये कि नहीं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो देखना बेटा क्या आएगा, आपका यही तो रिजल्ट है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। बेटा मैं ऊपर नीचे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नीचे भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और आई थिंक क्या हो जाएगा, रो वी बाई ए स्क्वायर, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। फिर बेटा सेम वही कंडीशन, स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें, वॉल्यूम और रेजिस्टिविटी सेम रहनी है, तो दूसरा रिजल्ट क्या आया, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और अब समझिए बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, या तो उसको पाई आर स्क्वायर बोल दीजिए, और रेडियस को क्या बोलते हैं, हाफ ऑफ डायमीटर, तो रेडियस की जगह हाफ ऑफ डायमीटर करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई डी स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा पाई कॉन्स्टेंट, फोर कॉन्स्टेंट, तो आप एक तरह से क्या कह सकते हैं कि रजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस, या कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द डायमीटर ऑफ द वायर, रहेगा बेटा फोर्थ पावर ऑफ द डायमीटर ऑफ द वायर। अब समझने की जरूरत है, ये जो तीनों रिजल्ट हैं, ये तीनों रिजल्ट कब यूज होने वाले हैं बेटा, जब हम वायर को स्ट्रेच करते हैं या जब हम वायर को कंप्रेस करते हैं, उसी कंडीशन में ये तीनों रिजल्ट यूज होने वाले हैं। तो देखना बेटा यहां पे आपने मान लो स्ट्रेच करके डबल किया, पहला केस मैंने लेंथ को डबल कर दिया, बेटा लेंथ को डबल किया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एल स्क्वायर है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 टाइम्स फाइनल, क्योंकि एल स्क्वायर आ गया। सेम दूसरा फैक्टर देखना, अगर मैंने लेंथ को हाफ किया, कंप्रेस किया और कंप्रेस करके लेंथ को हाफ कर दिया, तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा फाइनल बेटा। सेम यहां पे आओ, अगर मैं कहता हूं मैंने वायर को क्या किया बेटा, मैंने वायर को कंप्रेस किया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल किया, या मैंने वायर को स्ट्रेच किया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ किया। ये देखो मान लो मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर दिया, हाफ कर दिया, वायर को स्ट्रेच किया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ कर दिया। अब बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर एरिया डिक्रीज हुआ है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और मतलब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, 4 टाइम्स हो जाएगा फाइनल। यहां पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ के, इसलिए लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ा, लेंथ घटी तो रेजिस्टेंस घटा, लेकिन बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के तो इनवर्सली आ गया, मींस अगर एरिया घटा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर डबल हुआ तो ये तो स्क्वायर करके 4 टाइम्स हो जाएगा। हाँ इसी से अगर 3 टाइम्स किया तो 9 टाइम्स हो जाएगा रेजिस्टेंस, 4 टाइम किया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा
फाइनल ध्यान रहेगा ना सेम फैक्टर यहां पे। तो जरा दूसरे पॉइंट पे आइए कि अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल करता हूं तो इट मींस रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा 1/4 हो जाएगा फाइनल। और अगर यही चीज मैं डायामीटर या रेडियस की टर्म्स में कर दूं तो कि मैंने रेडियस को हाफ कर दिया, या मैं कहता हूं मैंने डायामीटर को हाफ कर दिया। तो सुनो बेटा, रेडियस या डायामीटर को हाफ किया तो बेटा रेस टू दी पावर 4 है, और रेस टू दी पावर 4 है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस 4 मतलब फोर्थ पावर होगी, और फोर्थ पावर मतलब क्या हो जाएगा 16 टाइम्स हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर आपने रेडियस को डबल किया या आपने डायामीटर को डबल किया तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा 1/16 टाइम्स हो जाएगा फाइनल। ये हमारे तीनों रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट हैं, ढंग से समझेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। तो बेटा ये हमारा थर्ड लेक्चर था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और आज हमने क्या क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंडेंट होगी, फिर रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे, और ये तीनों रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि स्ट्रेच करके लेंथ 3 times कर दी, हम जनरली क्या सोचते हैं 3 times की तो रेजिस्टेंस 6 times हो, 3 times ही होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। लेकिन बेटा कौन सा रिजल्ट यूज होने वाला है वहां पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। और वायर को स्ट्रेच करके अगर लेंथ को 3 times किया गया है तो रेजिस्टेंस 9 times हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर कल डिलीवर करते हैं। थैंक यू।